हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनबॉक्सिंग कार्स में। दोस्तों, आज मैं अपनी सैलरी के अंदर सीएनजी फिट करवा रहा हूँ। तो काफ़ी पेट्रोल महंगा हो गया है, तो सीएनजी तो लगवानी बनती है। तो आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कितना क्या खर्चा आता है और क्या कॉस्ट आ रही है। इस टाइम दिसंबर का टाइम चल रहा है और हम हैं जय दुर्गा पे, जय दुर्गा मोटर्स, तिकोना पार्क, फरीदाबाद। तो आज हम यहाँ से सीएनजी फिट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। तो काम शुरू हुआ है तो यहाँ पे चार होल करने पड़े हैं। इन चार होल में ये जो सिलेंडर का जो इन्होंने फ्रेम बना रखा है, ये सिलेंडर यहाँ पर इस तरीके से फ़िट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी फ़िटिंग की जाएगी यहाँ पर। तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मतलब एवरेज ही नहीं निकल पाती है। अब देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीएनजी किट आ गई है और ये नोज़ल है मेरे हाथ में। आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें से सीएनजी फिल की जाती है। तो मेरी गाड़ी दिल्ली नंबर है, तो दिल्ली नंबर गाड़ी की एक पूरा प्रोसेस होता है कि कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ लगेगी, पूरे इनके पैरामीटर्स पहले से ही होते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं, ये है इसका इंजेक्टर। तो यहाँ पर ये इंजेक्टर इस तरीके से लग जाएगा। अब देखते हैं, ये जो है ना, ये मिली है हमें एक, जो इसकी जहाँ से गैस जाती है, ये एक पाइप है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पाइप है। इस पाइप को हमारी गाड़ी में फिट किया जाएगा। इसको फिट करने का भी एक पैरामीटर है, ये आगे से डाल के गाड़ी के नीचे से, मतलब जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे वो भाई लगा हुआ है, तो वहाँ से ये ऑल द वे पीछे तक जाती है। कुछ गाड़ियों में लोग बीच में से लगाते हैं, बट ऐसे नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर इस तरीके से एक नोज़ल में फिट कर दिया जाएगा पाइप, और फिर वहाँ से हम सीएनजी फिल करेंगे। तो अब देख सकते हैं, यहाँ से पीछे से इस तरीके से ये पूरा सिलेंडर में फिक्स कर दिया जाएगा। अब आ गया हमारा ये सिलेंडर। अब देख सकते हैं, सिलेंडर कम से कम, ये वैसे 12 किलो वाला सिलेंडर है, बट इसका टोटल वज़न गाड़ी में बढ़ जाता है 90 किलो के आसपास, 80-90 किलो वेट बढ़ जाता है। तो अब देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी फिटिंग हुई है, इसको फ्रेम में रख दिया है। अब इसको बांध दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, फिटिंग होने के बाद इस तरीके से कुछ लुक आती है। तो आप देख सकते हैं, पूरी जगह जो है डिग्गी की, वो पूरी भर चुकी है और स्टेपनी हमारी खड़ी होके यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर जो उसकी सेटिंग की जाएगी लैपटॉप लगा के, क्योंकि पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इसमें भी, तो लैपटॉप से इसकी पूरी सेटिंग की जाती है, कितना रेस पे कब, मतलब पेट्रोल से सीएनजी पर आ जाए। और ये थ्री सिलेंडर है, तो थ्री सिलेंडर के अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाएगा। अभी फोर सिलेंडर के अकॉर्डिंग सेट है। तो ये लैपटॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे काके भाई सेटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम सीएनजी भराने आ गए हैं। तो सीएनजी भराने पे हमें कुछ सीएनजी पड़ी है इतने की, 486 की, और 7 किलो के आसपास सीएनजी इसमें आई है। तो फर्स्ट इसका मैं आपको एक दिखा बता दूंगा कि कितनी एवरेज ये देगी वीडियो के एंड में। यहाँ काके भैया अब सेटिंग कर रहे हैं लैपटॉप से, और साथ में ड्राइविंग भी चला चला के इसके पॉइंट्स सेट कर रहे हैं। तो काके भैया, इसके अंदर हम क्या, मतलब किस चीज की सेटिंग करते हैं भैया? ये इसी से होती है सेटिंग। अच्छा, वेब सेट हो रहा है इसका। अच्छा, वेब सेट हो रहा है इसमें। तो ये करना ही पड़ता है, मतलब हर गाड़ी में चला चला के, ताकि कोई लैग ना हो। वैसे करने को तो खड़ी खड़ी गाड़ी में भी कर सकते हैं हम। अच्छा, बट उसमें क्या है, गैस प्रॉपर ज्यादा खोलनी पड़ती है। अच्छा, चला के जो थोड़ा सा ना आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है, कि भाई पता लग जाता है आपको, क्योंकि मेरा पोजीशन उठाने पे क्या गाड़ी कह रही है। अच्छा अच्छा, तो ये है तरीका इसका कुछ इस तरीके से। तो हमारी सीएनजी फिटिंग हो गई है। ये है काके भैया। नमस्कार जी। तो भैया, अब एक बार हमारे व्यूवर्स को ये बता दो कि क्या प्रोसेस है पूरा, जैसे अगर किसी को सीएनजी लगवानी है तो फरीदाबाद नंबर में 34-35 हज़ार से 45 हज़ार से शुरू आ जाती है, 44-45 हज़ार, 46 हज़ार। अच्छा, बट ऊपर रेट थोड़े बहुत नीचे होते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना थोड़ा रेट बढ़ा है काफी। अच्छा, तो पहले थोड़ा कम था, 8-10 हज़ार रूपया, थोड़ा बढ़ चुका है। तो जैसे अभी बताओ कि कितने किलो का सिलेंडर लगता है, कौन सी किट लगती है? 99% तो 12 किलो का ही लगता है। अच्छा, 14 किलो कोई बंदा डिमांड करता है, 1-8 किलो का इसका फर्क है, कोई ज्यादा है। 99% लोग 12 किलो ही लगवाते। तो जैसे अब हमारी गाड़ी दिल्ली नंबर है, तो उसमें लगी है मोटोजेन की किट। हाँ जी, हाँ जी। तो और कौन कौन सी किट होती है जो लोग लगवा सकते हैं? भैया देखो, दिल्ली में क्या होता है, अप्रूवल का चक्कर है। अच्छा, जो किट अप्रूवल होगी वही पास होगी, जैसे अप्रूवल ले सकते हो। अच्छा, दिल्ली में मोटोजेन ही अप्रूवल है। अच्छा अच्छा, तो एक बार आप चल के बता दो, जो जो सीएनजी में किट में जो लगा है ना, वो क्या क्या उनका वर्क है, कैसे है? तो यहाँ से गैस जलती है। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ जी,
ये फिलिंग वाल है, यहाँ से गैस डलती है अपनी। अच्छा। ये किट होती है भैया, ये सीएनजी किट, सीएनजी किट है सर। अच्छा। ये पीछे एक इंजेक्टर लगे होते हैं जिससे गैस जाती है इंजन में। अच्छा, वहाँ पे इंजेक्टर लगे, फिलिंग भी यहीं से होगी और यहीं से गैस घूम के इंजन में आएगी, इंजन से यहाँ से किट से इंजन में जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है जी। ये वाल लगा होता है, गैस अगर बंद करनी हो बाई चांस कोई लीकेज वगैरह हो तो आप बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अपना ये किस नाम से दुकान? जय दुर्गा के नाम से है, जय फर्क है, जय दुर्गा के नाम से नंबर 23 है। अच्छा, काके नाम है मेरा। अपना एक बार फोन नंबर और बता दो कोई कांटेक्ट करना चाहे तो। 9811-38-72। ठीक है, तो ये काके भैया हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आज और पूरा दिन लगता है वैसे तो किट लगवाने में। तो सुबह हम आ गए थे 9 बजे, तो आज कितने बज रहे हैं अभी? साढ़े पाँच हो गए हैं, लेकिन हो गया, रात नहीं होने दी भैया ने। चलिए थैंक यू भैया। तो अब सीन कुछ ऐसा है, जैसे अब इसमें इतना भारी सिलेंडर लग गया है, 70-80 किलो का वेट इसमें बढ़ गया है, तो अब क्या है कि ना गाड़ी पीछे से थोड़ी दबने लगती है, तो इसमें क्या है कि गुटके लगवाने पड़ते हैं ताकि गाड़ी थोड़ी उठी भी रहे। तो ये काम जरूर करवाएं अगर सीएनजी लगवाते हैं तो। मैंने यहाँ पे खोलना शुरू कर दिया है, सोकर के नीचे लगेंगे गुटके और ये होंगे गुटके कुछ इस तरीके से, ये जो सोकर के नीचे लग जाएंगे। तो यहाँ पर लगेगा, कहाँ लगेगा गुटका? इसके अंदर ऊपर की तरफ। अच्छा, तो ये खोल के यहाँ पे गुटका तो फंसा दोगे तो ऊंची हो जाएगी गाड़ी। तो गुटका लगने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आ रही है, थोड़े से साइज जो है ना वैसे उस तरफ भी काम हो रहा है। तो अब देख सकते हैं गाड़ी कितनी ऊंची हो गई है गुटके लगाने के बाद। तो ये सीएनजी लगवाने के बाद 80-90 किलो वजन बढ़ जाता है, तो ये तो जरूरी है ही। तो दोस्तों अब जो है सीएनजी लग चुकी है, करीबन 10-15 दिन हो गए हैं सीएनजी को लगे हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं जैसे आपको दिखा दूँ, सीएनजी की लाइट चल रही है यहाँ पर। और मतलब जैसा कि लोग बोलते थे ना कि ऑटोमेटिक में कामयाब है या नहीं है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ आपके सामने है ऑटोमेटिक। और मतलब कोई भी पिकअप में ऐसा कोई इश्यू नहीं आया मुझे, और आज 14-15 दिन हो गए हैं, तो आज मेरे पास कॉल भी आ गया था। एक्चुअली मेरी गाड़ी जो है दिल्ली नंबर गाड़ी है, तो दिल्ली नंबर गाड़ी होने की वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आरटीओ जाना पड़ा पासिंग के लिए। तो एक चीज़ ये होती है इसके अंदर कि अगर आपकी दिल्ली नंबर गाड़ी है तो दिल्ली आरटीओ में ही आपको जाना पड़ेगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। मतलब जिस स्टेट के आप होते हो उसी स्टेट में जाकर आपको सीएनजी पास करवानी पड़ती है। तो मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूं। और अब बात आती है कि भाई पूरी सीएनजी किट कितने की लगी? दिसंबर 2021 का टाइम है और सीएनजी किट कितने की लगी? देखिए भाई, मोटोजेन की किट लगी है मेरी गाड़ी में। मोटोजेन की जो किट होती है ना वो दिल्ली में ही पास होती है, ये भी लफड़ा है कि दिल्ली में सिर्फ एक ही किट पास होती है मोटोजेन की, वही वहां पर वो पास करते हैं। तो इसमें मोटोजेन की किट लगी है और मेरे टोटल जो पैसे लगे हैं वो लगे हैं 53,000, यानी 53,000 रुपये मोटोजेन किट के मैंने दिए हैं। और बिल्कुल न्यू किट है, न्यू सिलेंडर है। तो भाइयों ये कॉस्टिंग आती है आपकी। और अगेन मैं यही बार दोबारा बोलना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रहती है कि आपकी ऑटोमेटिक में कोई इशू आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों यार, ऑटोमेटिक तो मस्त चल रही है। आपको मैंने नंबर दे ही दिया था जहां पे मैंने सीएनजी किट लगवाई थी, बाकी आप उनसे कॉन्टेक्ट करके
और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं उसकी एवरेज क्या आ रही है, एवरेज भाई एक बार फुल कराने के बाद 12 किलो का सिलेंडर है इसके अंदर, और एक बार फुल कराने पे 7 किलो 7.5 किलो ऐसे आती है प्रेशर के अकॉर्डिंग आती है चीजें इसके अंदर जो गैस होती है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें 7 किलो 7.5 किलो आती है, तो उसके बाद ये चल जाती है 180 किलोमीटर चल जाती है, मतलब एक बार फुल कराने पे। 350 की भरती है, कभी 400 की भरती है, कभी 450 की भरती है, मतलब वो प्रेशर के अकॉर्डिंगली है, तो उसके अकॉर्डिंग कभी 150 180 कभी 200, तो ये इसका जो है ना ये रहता है टोटल। तो ऐसे ही है, अब देख लो कैसा लगा आपको पूरा जो सीएनजी का प्रोसेस दिखाया मैंने। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी आइडिया लगा हुआ कि अगर आपको बाहर से सीएनजी लगवानी है तो क्या कर सकते हैं। बाकी और आपको सारी डिटेल काके भैया देंगे, नंबर आपको शो हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।